बड़ी खबर है, प्रदेश के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया के लिए अलर्ट जारी किया है। मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना के लिए अलर्ट जारी किया गया है। निवाड़ी, ओरछा, आगर, राजगढ़, सागर में बारिश होगी। प्रदेश के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर से बड़ी खबर है, सीएम बघेल ने दलाई लाम को दिया है निमंत्रण। बौद्ध धर्म गुरु को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है। सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने की सीएम की मंशा है। सिरपुर में 6-9 सितंबर को वर्ल्ड बुद्धिस्ट मीटिंग होगी। सतीश जग्गी ने दलाई मामा को सीएम की ओर से न्योता दिया है। भोपाल से बड़ी खबर है, दो दिवसीय C20 समिट का समापन आज होगा। समिट में सेवा ही सर्वोच्च धर्म है विषय पर मंथन होगा। समापन सत्र में सीएम शिवराज शामिल होंगे। C20 में सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले सम्मानित होंगे। सुबह 12:15 बजे शामिल होंगे सीएम शिवराज। सीएम प्रदेश की उपलब्धियों और आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। मुंगेली में बारिश के बाद उमस भरी गर्मी में सांप और दूसरे जहरीले जीव बाहर निकल रहे हैं। ऐसा ही एक तस्वीर सामने आई जब एक घर में 6 फीट का अजगर घुस गया, जिसको देखकर घर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बाद में एक युवक ने अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित नदी किनारे छोड़ दिया। जगदलपुर शहर के दो अलग अलग इलाके से रेस्क्यू टीम ने कोबरा सांप को पकड़ा है। धर्मपुरा बॉयज हॉस्टल में नाक सांप निकलने से हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरा कोबरा सांप साकेत कॉलोनी में निकला। दोनों जगहों में रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर सांप को पकड़ा। दोनों सांपों का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। बरसता के मौसम में रोजाना ही सांप निकल रहे हैं। स्नेक रेस्क्यू की टीम सांपों को रोजाना रेस्क्यू भी कर रही है। उज्जैन से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक युवक स्ट्रीट डॉग को नदी में फेंकता हुआ दिखाई दिया। वीडियो के आधार पर पीपल फॉर एनिमल इंदौर नाम की संस्था ने उज्जैन पहुंचकर नीलगंगा थाने में युवक पर मामला दर्ज करवाया। इधर युवक को जैसे ही FIR दर्ज होने का पता चला, उसने सोशल मीडिया से अपना वीडियो हटा दिया और फिर युवक ने अपने इंस्टाग्राम पर माफी मांगकर सफाई भी दी। जो एल मैंने एक वकील पालतू है और आप जो भैया को ठेस पहुंची है उसमें माफी मांगता हूँ। ये वकील है, ये वकील पालतू है, ये मेरे वकील पालतू है और ताजाला रहती है हमारे। ये टीकमगढ़ में दो सांड बीच सड़क पर भिड़ गए। इन लोगों ने कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया, साथ ही इनकी फाइट की वजह से सड़क पर जाम लग गया। काफी देर तक सड़क पर ट्रैफिक बाधित रहा। आवारा जानवरों की वजह से लोगों को कई बार परेशानियां होती हैं, लेकिन नगर पालिका इस पर ध्यान नहीं दे रहा। मुरैना में केलारस सब्जी मंडी में नगरपालिका ने 70 से 80 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया। दरअसल यहां पर कुछ दुकानदार अवैध रूप से सब्जी की दुकान लगा रहे थे, जबकि इनको कृषि उपज मंडी में जगह दी गई थी। यहां पर पक्की सब्जी मंडी बन रही है, इसलिए नगरपालिका ने बुलडोजर चलाकर दुकानों को हटाया। इस दौरान कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने नगरपालिका के अधिकारियों पर मनमानी करने और बिना नोटिस देने के आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा भी किया और नारेबाजी की।
मुर्दाबाद 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 नगरपालिका मुर्दाबाद 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 एमओ मुर्दाबाद 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 सुबेदार सिंह मुर्दाबाद। और सर हमें बगैर नोटिस के दुकान तोड़ी गई है सर, ना तो हमें कोई सूचना दी गई कि भाई हम आपकी दुकान तोड़ रहे हैं। आज मंडी बंद थी, 1 तारीख को हमारी मंडी बंद रहती है, हमारा जो रूल है वो सर। हम गए थे सर बाहर गिर रहा है, और इन्होंने बगैर नोटिस के बगैर जानकारी के, कोई मंडी में नहीं था, मंडी बंद के उपरांत इन्होंने लाके बल शासन ने बलपूर्वक दुकानों को तोड़ा है। लगभग 4 बार उनके साथ बैठक की जा चुकी है, व्यक्तिगत रूप से उनको बुला के बैठक की और उनको समझाइश दी। उनको अनाज मंडी में सेक्रेटरी साहब से भी मैंने बात करी, सेक्रेटरी साहब ने जगह भी दी, हम लोगों ने प्लॉट पर काट दिए, अस्थाई उनको अस्थाई रूप से जगह दे रहे थे, उनको पानी नल सफाई लाइट की सारी सुविधाएँ दे रहे थे, प्लॉट काट दी। इसके बाद भी जिनको हमने सही आए बिंदास जिंदगी जीने के लिए कुछ छात्र लुटेरे बन गए जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया। हालांकि अब भी एक आरोपी फरार है। मामला मंदसौर का है जहां मंदसौर यूनिवर्सिटी में टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी के छात्रों ने शाहिद कपूर के वेब सीरीज से प्रेरित होकर एक मंडी व्यापारी से 20 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया, छीनने का प्रयास किया। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी पंकज सिंह और सौरभ शुक्ला मंदसौर जिले के रहने वाले हैं। दोनों के पिता के पास थोड़ी बहुत जमीन भी है, इन्हें घर से पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत खर्चा मिलता है। इनके शौक रईसी के थे। और बात करेंगे भिंड की, जहां पर खून के रिश्ते तार तार करने वाली घटना सामने आई। मामला भिंड के सुरपुरा थाना इलाके के आकोन का है जहां 2.5 बीघा जमीन जोतने के विवाद में नाती ने अपने ही बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में मृतक का अपना बेटा भी शामिल है। बताया गया कि आकोन के एक परिवार के 2 पक्षों में 40 साल पुराने जमीनी विवाद में पहले कहासुनी हुई, फिर पत्थरबाजी और फिर अवैध हथियार से नाती ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने ही 62 वर्षीय बाबा को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आपको बता दें कि 40 साल पुराने इस विवाद की अटेर कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। हमारी जमीन डायरिया निकलती है उनकी खेत में, आज कम से कम 40 साल पुराना चल रहा है, वही उनके कब्जा कर रहे हैं, वही होता है। फिर हमने सरकारी बंटवारा करवाया, सीमांकन करवाने के लिए कल फाइल जमा करके आए, तो घर वहाँ पे गए खेत देखने के लिए, तब तक उन्होंने वहाँ पे पत्थर वत्थर मारे तो फिर उन्होंने हम लोगों ने भी पत्थर फेंके, लेकिन उन्होंने गोली मार दी सामने। इनका जमीनी विवाद था, इनका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था, इसी रंजिश के कारण इनका मुवाद अटेर जाने के बाद, और फिर इनने दरवाजे पे से गोली चलाई जिससे। कोरबा से बड़ी खबर है, रफ्तार के कहर ने ली है जान 3 लोगों की। हाईवा और कार की आमने सामने टक्कर हुई, भवानी मंदिर के पास की घटना है। मवेशियों को बचाने में दुर्घटना हो गई, CSEB पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए अब्दुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है।